हेलो प्यारे बच्चों, आइए हम आपके लिए आज वर्कशीट लेके आए हैं। आज आपकी जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 14 है। ये आपकी नर्सरी की वर्कशीट है। यह दिनांक जो है दिनांक जो है आपकी 7/8/2021 है। यहाँ पे अपनी शिक्षिका का नाम और यहाँ पे अपना नाम अपने मम्मी पापा से लिखवा लें। ओके, चलिए देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या दिया गया है। आगे वर्कशीट में दिया गया, नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। पहला, बच्चे कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता होगा। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए किस किस को कहानी सुनना अच्छा लगता है। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है कौन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, कहानी सुनाते हैं। एक दिन नटखट प्रिया खेलते खेलते थककर पेड़ के नीचे बैठ गई। जैसे आप थक जाते हैं वैसे प्रिया जो है वो शैतानी करते करते खेलते खेलते वो पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, सर 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 सर। प्रिया ने पूछा कौन है और इधर उधर देखने लगी। प्रिया ने देखा गाय घास चबा रही है। नहीं, यह गाय के पास चबाने की आवाज़ नहीं है। उसने देखा कि गाय घास चबा रही है लेकिन यह गाय नहीं, गाय के चबाने की आवाज़ नहीं है। क्या पेड़ पर बैठे बंदर ने यह आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, यह बंदर की आवाज़ भी नहीं है। क्या यह मेढक के घास में कूदने की आवाज़ है? नहीं, यह मेढक की आवाज़ भी नहीं है। क्या यह हिरन के छलांग लगाने की आवाज़ है? नहीं, यह हिरन की आवाज़ भी नहीं है। क्या यह तालाब में मछली से आ रही है? नहीं, यह आवाज़ मछली की भी नहीं है। तभी प्रिया ने नज़रें हाथी पर पड़ी। हाथी एक पेड़ के तने से अपनी पीठ रगड़ रहा था। सर 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 सर, तो आवाज़ किसकी थी बच्चों? हाथी से आ रही थी, जो पेड़ रगड़ में पीठ रगड़ रहा था अपनी। जब आपकी खुजली होती है तो आप भी अपने करते हैं ना, पीठ रगड़ रहा था हाथी अपने। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी बच्चों। आइए आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कहानी में गाय क्या चबा रही है बच्चों? घास। और प्रिया को सरर सरर की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? हाथी से। अच्छा बताइए बंदर कैसी आवाज़ निकालता? ऐसे करके बंदर बोलता है। आप बंदर की आवाज़ निकाल के अपनी मम्मी को दिखाइएगा। आइए हम भी इन जानवरों की आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मेढक टर टर करता है। तो ठीक है बच्चों, आपको जानवरों की आवाज़ के बारे में और भी आपको आसपास के जानवरों की आवाज़ अगर पता हो तो उसकी आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम इस वर्कशीट को देखते हैं। आगे वो की वर्कशीट की समाप्त है। नोट में आपका दिया हुआ है, माता पिता कार्य करने व चित्र बनाने में बच्चों की सहायता करें, मतलब चित्र बनाने में अपनी सहायता लें मम्मी पापा से, और चित्र को देख कर कहानी के शब्दों को सुनने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। तो यह अभिभावक के लिए है। तो अपने मम्मी पापा से कहिएगा कि वो आपको चित्र बनाने में मदद करें। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।